तेरे को ऊपर छोड़ाऊं क्या? शदाई, हाँ इसको अलग करो, साले को बहुत हो गया, जितना करना था इसे कर लिया, एक लिमिट होती है। तू भी कम नहीं तड़प रही, नहीं जाना बब्जी के पास, अंदर आओ चल। दोनों ने दुखी कर दिया है, दो तीन दिन जो इसके मेटिंग के आए हैं हम परेशान हो गए इनके चक्कर में। सुबह पूछा मैंने पराठे, ना मेरी माँ मुझे पूछती है ना तुम्हारी मम्मी मुझे पूछती है, कोई नहीं पूछता, ना तुम मुझे पूछते हो, किसी को कोई मेरी वेलबींग का नहीं है कि मन्नी क्या खाएगी, मन्नी को क्या चाहिए, सब अपना अपना। अरे वो जो दोनों सीट डॉग्स हैं वो बेचारे हैं छुप के बैठे हुए हैं, इतनी गर्मी है बाहर, मैं उनके लिए वो लेके आ रहा हूँ मिट्टी का बर्तन। वो उसको चेक आ रहा है कि मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं तो आने नहीं दे रहा उस तरफ। गाइस आपने हमारे चैनल को नमितोलॉजी को इतना प्यार दिया कि हमने अपने साथ एक बैकअप चैनल क्रिएट किया नमितोलॉजी शॉर्ट्स। उसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि वही डेटा रिपीट होगा, उसमें हम लोग नई वीडियोस डालेंगे, एक्सक्लूसिव वीडियोस इस चैनल पे, और दूसरा टाइप का कंटेंट फैमिली कंटेंट उस पे जाएगा। तो नमितोलॉजी शॉर्ट्स का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, और हमारे चैनल में पार्टनर चैनल में भी दिया हुआ है, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करना और अपना प्यार उस चैनल पे भी बना के रखना। ये चैलेंज है, तो मैं ये चैलेंज दे रही हूँ नमितोलॉजी की फैमिली को, अगर ये ब्लॉग 20K या 25K यानी 20-25 हज़ार लोग देख रहे हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ ऐसे कितने लोग नमितोलॉजी शॉर्ट्स को जाके भी सब्सक्राइब करते हैं। इट्स अ चैलेंज टू यू गाइस। हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग, वेलकम टू नमितोलॉजी। और आज है संडे मॉर्निंग, और देखा गिर गया ना, आधा छूट गई तुम्हारी व्लॉग बनाने की, इसलिए गिरा। बस पहले सुबह सुबह उठते ही ताना पड़ गया कि तुम्हारी व्लॉग बनाने की आदत छूट गई है। और संडे मॉर्निंग यार बार बार गिरी जा रहा है यार, व्लॉग बनाने की आदत छूट गई ना। तो संडे मॉर्निंग मैं मन्नी और हमारा टाइम हो गया, तुम वैसे भी बता दोगे तो लोग विश्वास कर लेंगे ना तुम्हारी बात का। 11:30 और हम थोड़ा लेट उठे हैं आज। आज हम थोड़ा सा कहाँ लेट उठे हैं, मैं पूरे 7 बजे उठी हूँ। मैं 9:30 बजे उठा हूँ आज, और अभी भी आंखें आपको लग रही होंगी चढ़ी हुई है। मैं पता क्यों 7 बजे उठी हूँ, मैंने 7 बजे उठ के 9 बजे तक ब्लॉग बनाया, एडिट किया था मेरे, तो देख लो मेरी आंखों के नीचे जो काले गड्ढे पड़ रहे हैं ना, वो आप लोगों के वैसे पड़ रहे हैं। अगर आप नहीं देखते ना तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। और यहाँ बच्चे लगे हुए हैं सुबह सुबह, ये बटर की एक छोटी सी चक्की लेके ना। जय आप भी शुरू हो गए, काँप गया बेचारा बच्चा मेरा देखते ही, मेरी आवाज सुनते ही काँप गया। और हमने मॉर्निंग के अंदर परांठे बनाए हैं, वो मैं पार्ट आपको दिखाना भूल गया, और अभी थोड़ी देर में हम परांठे खाएंगे। मन्नी को मैंने बोला था, ठीक है ना, तुमने बनाए, तूने बनाए हैं, ठीक है। हैप्पी हैप्पी मदर्स डे 5 बच्चों की अम्मा से। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ किचन के अंदर। हाँ, नौमी दीदी अपना काम पे लगी है। नौमी दीदी गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग। परांठे कहाँ छुपा के रखे हुए हैं तुमने? जेब में मेरी। जेब में? कितने बजे देगी? तो मन्नी ने बोला 12 बजे तो मैं परांठे दूंगी, क्योंकि फास्टिंग कर रहे हो तुम, इंटरमिटेंट फास्टिंग। तुम्हें अपने साले की शादी के लिए पतला नहीं होना? यस। शेरवानी पहनोगे अपनी शादी की? नहीं। क्यों? पूरी नहीं आएगी। तो मन्नी ने बोला है कि सुबह 12 बजे तुम खाओगे और उसके बाद रात को 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाओगे। पूरे 20,000 रुपए की दी थी मेरे मम्मी पापा ने तुम्हें शादी पे शेरवानी। हमारे में ना पंजाबियों में शादी का जोड़ा लड़के का लड़की वालों की तरफ से होता है। पूरे 20,000 की शेरवानी दी थी, एक बार तुमने पहनी, अब कम से कम मेरे भाई की शादी पे तो पहन लो उसको। तो मैं 12 बजे खाऊंगा अपने परांठे। जो कह रही उसका जवाब दो। मैं कुछ नहीं जवाब दे रहा तुझे यार, ये बड़ा हद है। मैं मतलब हमने ये सोच के दी थी कि आगे इतनी महंगी शेरवानी है तो अविरल की शादी पे भी पहन लेगा, अब तुम तो पहन ही नहीं रहे हो। पहनूंगा कसम से पहनूं। उसके लिए पतला होना पड़ेगा ना। सारा मक्खन मक्खन कर दिया सोफे पे, कर क्या रहे हो यार तुम दोनों? हैं? दुखी कर रखा है माँ को। मेरी उम्र ना इन्होंने वो कर रखी है कम। आधी कर दी ना तेरी उम्र। तू 40 साल की है, वैसे लगती 20 साल की है, तो आधी कर दी तेरी। यहाँ शिवाय लगा हुआ है अपनी अमूल की टिकिया खाने पे। सुबह सुबह जोई को हमने ब्रेकफास्ट दिया है, और अनफॉर्चुनेटली आज भी रात को उसने थोड़ी सी वॉमिटिंग की है, बट अब दिन में जो वो 5-6 बार करती थी वो एक टाइम हो गया, और इवेंचुअली आई थिंक कि दवाई असर कर रही है। कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं वो अगर आप पूछना चाहते हो मैं कमेंट्स में बता दूंगा। जोई 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 ओए मेरा बच्चू कमजोर हो गया बिल्कुल, है ना पापा? हाँ मेरा बच्चू तू भी कमजोर हो गया। बस वो पहले ही कमजोर होता है, उसका सिर्फ पेट बाहर निकला होगा। गाइस कमेंट में बताना आपको जोई में कोई फर्क लग रहा है। मुझे तो जैसी मैं हाथ, आपको वैसे मोटी लग रही हो क्योंकि डबल कोट है, बट इवेंचुअली मैं अगर हाथ लगाऊं तो सीधा हड्डियां दिखती है मुझे। दोनों लड़कों ने ना करण अर्जुन ने मेरा खून पी रखा है। क्या हुआ है? आजा आजा इधर आ, इधर आ। क्या हुआ है, रो क्यों रहे? दरवाजा बंद कर दिया ना बड़े वाला, तेरा हाथ नहीं पहुंचता वहां तक। वो तो भैया यहाँ आ गए,
भैया यहाँ आ गए हैं। ये वो उसको चेक आ रहा है कि मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं तो आने नहीं दे रहा उस तरफ। ये शिवाय ने हुक्के की पाइप ली हुई है क्या है इसके मुंह में पता नहीं। अरे बेचारा मेरा बच्चा ना तरस रहा है कि बाहर चला जाऊं, वो देखो वो तरस आ रहा है। हाइट बढ़ाओ। ओए क्या हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं होता, भैया को बोल भैया खोलेंगे। वो उसको रोके दिखा रहा है पर शिवाय उसको गुस्सा करके दिखा रहा है बाहर से। भैया कहाँ छुप गए हैं, भैया कहाँ छुप गए हैं, भैया छुप गए हैं यहाँ, ये देखो हैं, क्यों छुपा हुआ है तू बोल। तो फाइनली 12 बज गए हैं और मन्नी ने अलाउ कर दिया मुझे खाना खाने के लिए। ये देखो ये बनाए हैं मन्नी ने परांठे, मुझे सिर्फ डेढ़ परांठा दिया और ये दादी के घर से परांठा आया बच्चों का। दीदी अचार देना आम का। तुम भी आए हो, क्या कर रहे हो? बब्जी तो पीछे ही पड़ा हुआ है इसके। ये तेरे हाथ में क्या है डब्बे के अंदर, ये खोल। इसमें क्या है डब्बे में? अली नहीं खेलेगी आज तेरे साथ, आज बब्बी ने नहीं खेलना। बब्बे को दूर कर ले उससे, बच्चे से। बच्चे को जरा गोद पकड़ो। जे ने खेलने अली के साथ। ये बब्बा पागल हो गया, मेरे को तो ना पागल ही लग रहा है। बब्बे तेरे को ऊपर छोड़ा हूं क्या? सदा यहाँ इसको अलग करो, साले को बहुत हो गया, जितना करना था इससे कर लिया, एक लिमिट होती है। बदतमीज, मतलब हम उसके साथ बैठे बिना आफत मचाई हुई है। कहाँ जा रहे हो? हम लेडी ओली को दही पिलाने के बाद ठंडे पानी के अंदर पेडिग्री दे रहे हैं ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा, और ऊपर से हम इनको लेके आए क्योंकि हीट स्ट्रोक के पूरे पूरे चांसेस हैं दिल्ली में, गर्मी बहुत ज़्यादा। ये तू पकड़ अपना और मेरे साथ आ जरा, मैं बब्जी को भी देखता हूँ। बब्जी यहाँ पे नहीं है, बब्जी को अलग रखा हुआ है क्योंकि मेरे पता है रिएक्शन बहुत ज़्यादा। ओला अपना खाने इंजॉय कर रही है। यहाँ क्यों बैठे बब्जी? चलो ये ले, ये ले। अंदर हो जाओ जे, बब्सी के पास मत आओ अभी बेटा, वो थोड़ा ना आज मूड में अच्छे मूड में नहीं है। आए ओली तू जा, जे आप जाओ उधर। चलो यार तू भी कम नहीं तड़प रही, नहीं जाना बब्सी के पास, अंदर हो चल। हो गया ना, अब तुम्हारा कंटिन्यूस ड्रामा ही खत्म हो रहा। बब्सी का खाना वहीं का वहीं पड़ा है, मेरे ख्याल से बब्सी बाहर जा रहा है। क्या कर रहे हैं? गर्मी में बिठाया हुआ है ना उसको। देखा कैसे ओला, कम कम ओला, आजा आजा बेटे आजा ओला, इट्स ओके। कौन सा तुम्हारा साला इतना पुराना इश्क है जन्मों जन्मांतर का? ओला जे तू हट जा, मान जा मेरी बात, चल अंदर। ओला बिल्कुल नहीं मान रही भाई ये लड़की, इन दोनों ने दुखी कर दिया है। 2-3 दिन जो इसके मीटिंग के आए हैं, हम परेशान हो गए इनके चक्कर में। बब्जी आ रहा है, चल अंदर। बब्जी बोल रहा, बब्जी बब्जी वो देख वहां है बब्जी। ओला बब्जू अंदर है, आजा आजा मेरी बेटी आजा। गुड़िया रानी है ना बेटा, छोटी बच्ची अभी क्या उसके चक्करों में पड़ी हुई है। ओले कम बेटा, कम 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 कम, आओ अंदर आओ, चलो। मम्मा कोई मम्मा मम्मा नहीं, भैया नहा रहे अभी, खड़ा हुआ बाथरूम के आगे क्योंकि शिवाय नहा रहे हैं और नौमी दीदी उसको नहला रही, तो वो बाहर ही बैठ गए भैया दीदी। जे आपको नींदी आई है, आप सो जाओ ठीक है। ओला ओला आजा आजा मेरा गुड्डा, आजा चल आजा अंदर, आजा अपने घर में आओ। ओले कितनी देर बैठी रहेगी गर्मी में बेटा, एसी चल रहा है, इधर आजा चल आजा। तेरे को बात नहीं समझ आती, थप्पड़ खा के मारेंगे मेरे से हैं, चल अंदर चल। ओले बेटा चलो चलो मेरी ओली। ओले क्यों रो रहा है, क्या हुआ है बोल, क्या हुआ है, क्या हुआ
इसको नींद चढ़ी हुई है, अभी इसको दूध की बोतल बना के पिलाती हूँ, सुलाती हूँ। ये नहीं आई, मोटे चूहे को बुलाऊं? मोटे चूहे, ये देखो डर गया मोटे चूहे के नाम से। मैं मोटा चूहा आ रहा है, मोटा चूहा आ रहा है, बुलाओ मोटे चूहे को। और यहाँ हमारा शिब्बू आ गया नहीं नहीं करके, गोरा चिट्टा हीरो मेरा। शिब्बू नहीं नहीं की गोगो नहीं नहीं की मैंने नहीं निकाला, अंदर नहीं आ रही है, मैंने बहुत उसका खाना खा लिया। मैं क्या करूं यार, मैंने नहीं बोला उसको, वो सुबह से वॉमिटिंग कर रहा है, तो फिर मैं क्या करूं। अब वो दोनों ऊपर भाग गए दोबारा, अब उनको तो पता नहीं है एज ए ह्यूमन। मैं अकेले क्या करती, उसको संभालती, उसको नहीं मानती। उसको मैं खाना कैसे दूं, उसको दही वही दे दूं, ऐसे तो उल्टी कर रहा है ना वो, खाई नहीं। अरे वो बीच में जाके बैठ गए हैं दोबारा। ए बाबा 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 बाबा, राहुल ऐसे बात करोगे उससे? साला बात नहीं करने देता कहीं पे भी। सॉरी बोल, मसा एक बच्चा बोलता है उसमें भी तुम ना। अरे मेरा वो मतलब नहीं है, ये बात का एंगल मत घुमाया कर अपने हिसाब से, समझ आ रही। और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, वो जो दोनों स्ट्रीट डॉग्स हैं वो बेचारे हैं छुप के बैठे हुए हैं, इतनी गर्मी है बाहर, मैं उनके लिए वो लेके आ रहा हूँ मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन मैं बाहर लगाऊंगा और उसके अंदर पानी तेरी जिम्मेवारी है, सुबह डालना, दोपहर को डालना और शाम को डालना, ठीक है? तो मैं जा रहा हूँ दो बर्तन लेने, ताकि उनको तो नहीं तो मर जाएंगे वो, बचेंगे नहीं। बहुत गर्मी है, बहुत बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। उनको कुछ भी खिला सकते हैं, पर ये है कि इनके सामने मत खिलाइए। इस टाइम वैसे भी वो हीट पे है, दिमाग और गर्म है, ठीक है? तो मेरी बात समझ रही है, ज्यादा तंग कर दिया है पबजी। हाँ इस बार ज्यादा, जब ओला की पहली हीट आई थी तो हमने पबजी को अलग कर दिया था, तो अलग अब भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता तूने लेडी वाली को क्यों पीछे निकाल दिया। मैंने नहीं निकाला यार, ये तंग कर रहा था, मैं उसको 10 बार बोला। वो भी सूंघ रही है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं फाइनली पानी डालने वाला पक्षियों के लिए, और देखते हैं कितने का देते हैं। हमने लेने हैं दो पीस, दो पीस चाहिए। एक ये 6 इंची है, हाँ 4 इंची नहीं इससे बड़ा है, 8 इंची ये कितने का है? 50 का, ठीक है दो पीस दे दो। ये और डांट खाई है ना सुबह से, डांट खाई जा रहा है सुबह से जे, ये आंखें देखो कैसे बना रहे, इसे डांट खाई है ना अभी ऐसी आंखें बना रहे। इनमें हमारी 1 किलो 1.5 किलो दही लग रही है, 40 रुपए का आधा किलो भी नहीं है, ज्यादा ही 50 रुपए का आधा किलो दही है। इतनी दही मिनिमम डालनी है छोटे पपी को। रुक जा मेरे बच्चे, मेरे शॉर्ट्स खींच रहे हैं। 2 किलो या मैं 4 पैकेट कम से कम मंगाए थे, कितने रह गए? 2 बच्चे जोई को, थोड़ा सा रॉयल कैनिन और बाकी दही। चला इधर आजा तू भी। अब बब्जी का जो अलग आ गई है वो उसको देखता हूँ थोड़ी देर में। जे अपना दूध की बोतल पी और सो जा। अंदर है बेटा, लग गई उसको, हाथ आ गया फ्रिज में, आ गया ना। मैं मना कर रही हूँ ना तब से, दिखा मेरे बच्चे वैसे बड़ा सेंसिटिव। खड़ा तो ये सोएगा, इसको नींद चढ़ी होगी। मैं थक गई यार, बस मेरे को मैं परेशान हो गई, मेरे को ना मेरी मम्मी को बुलाओ। तेरी मम्मी के घर पे प्लम्बर आए हुए बाहर में, प्लम्बर मैं परेशान हो गई, मेरे से नहीं अकेले संभल रहे यार बच्चे, मैं परेशान हो गई हूँ। किस किस को क्या, तुम्हारे भी ताने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में, रोटी दे दे रोटी दे दे। टाइम हो गया 3:15, मेरा नहीं कोई सोचता कि कभी मुझे भी भूख लग रही है। तेरे को मैंने खाने के लिए बोला ही नहीं है, तो मेरे को भी तो लग रही हो सकती है, मेरे को भी कोई पूछ ले। तेरे को सुबह पूछा मैंने, कोई ना मेरी माँ मुझे पूछती है ना, तुम्हारी मम्मी मुझे पूछती है, कोई नहीं पूछता ना, तुम मुझे पूछते हो, किसी को कोई मेरी वेलबींग का नहीं है कि मन्नी क्या खाएगी, मन्नी को क्या चाहिए, सब अपना अपना। बच्चों को फीड करा दिया, डॉग्स को करा दिया, राहुल को करा दिया, मेरी किसी को कोई परवाह नहीं है। मेरे को किसने फीड कराना है? मुझे फीड तू नहीं कराना है। और मुझे कौन कराएगा? मैंने मम्मी को फोन किया कि किसी भी चीज के, मेरे घर प्लम्बर आया हुआ है, दादी के कमरे के नीचे से पाइप फट गई, पानी निकल रहा है, सीलन है। अरे यार मेरे बारे में तो कोई पूछ लो, या फिर एक ही चीज पूछेंगी, बच्चे ठीक है बच्चे ठीक है, अपने बच्चे का नहीं पता। काम कर अब ना, तू रेस्ट कर ले। क्या रेस्ट करूँ, ये सोने का नाम ही नहीं लेते, बदतमीज लौंडे। शाम को हमने जागरण में भी जाना है, तुझे पता है बात, मेरे पास कपड़े नहीं है जागरण में। अरे जो पहन के चल रहे, हमने वैसे भी थोड़ी देर जाना है, मेरी बात मान ले, कितनी भी देर जाना हो, घंटा डेढ़ तो जाओगे। हाँ। खाना वाना तो खाओगे, बिना खाए आ जाओगे। तो जीन्स के अंदर तो खाना नहीं खाने देंगे वो? जीन्स भी नहीं, कहाँ है मेरे पास एक जीन्स। अरे कुछ भी निकाल के पहन ले, कल जो तू कुर्ता पजामा पहन के गई थी ना, कुर्ता नहीं वो कार्टून नेटवर्क वाली, वो पहन जाओ जागरण में। भगवान को छोड़ के ना लोग मुझे देखेंगे सिर्फ। हाय खुश हो गई बिना खाने के, तारीफ हो जाए इसकी अपने मुंह से, मियां मिट्ठू।
मेरी बीवी बनी मियां मिट्ठू। सही बताओ क्या पहनूं मेरे पास? अरे कुछ भी पहन ले। हाँ बोलो क्या कह रहे? हाँ बोल। पापा क्या है? पापा क्या है? मैं हाँ बहुत अच्छा। पापा तो अभी अभी इस भोले भंडारी बच्चे ने कोशिश की है राहुल का मोबाइल लैपटॉप सब कुछ बेड के पीछे फेंकने की। क्यों ऐसे करता है बेटा क्यों? हम कमा कमा के थक गए, हमारी पीठ टूट गई। तेरी माँ की हालत देख, हीरोइन हुआ करती थी मैं एक टाइम पे, ये देखो अब मेरे को भूतनी बन गई हूँ मैं। लेकिन ये बच्चे नहीं सुधरते मानते। थोड़ी देर अपनी मम्मा को बुला लो। हाँ बुलाते हैं थोड़ी देर, वो भी बच्चे संभालते हैं। बोलो बस हो गया, कितना सुख प्राप्त करेंगी वो, थोड़ा हमें भी सुखी कर दे। नाराही हूँ देश का सिपाही। ए शिबू बंद कर फ्रिज, बोलो मेरे संग जय हिंद। तू भी आजा, सो जा। जय हिंद। आजा नीनी कर लेगा है? चलो पापा। हाँ पापा बोल बेटा। तुमसे इतना प्यार है इसको, तुम क्यों नहीं सोला देते इसको? मैं खुद नहीं सो पा रहा हूँ। तुम अभी सो के हटे हो? नहीं जी, अपना काम कर रहा था मैं। जो बच्चा सोएगा एक घंटा उसको शाम को चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों मिलेंगे, ठीक है? और इसकी ना आंखें बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है। बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर की तुम्हारी, देखो देख रहे हो। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बर्थडे पार्टी में, कम माता रानी की चौकी। और ये है राहुल की लोग, ये है मम्मी, मम्मी ने पहना है सूट। और वहाँ सारा चल रहा है माता की चौकी, रूम करके दिखा रहे हैं। और हम लोग यहाँ खड़े हैं, तुम काहे की वीडियो बना रहे हो? और फाइनली हम पहुंच गए हैं जागरण के अंदर। मन्नी अपनी वीडियो बना रही है और मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं मन्नी का आउटफिट दिखाना चाहता था कि मन्नी ने क्या पहना। और मन्नी आज पहन के आई थी, पर मन्नी गाड़ी के अंदर जैसी बैठी है मन्नी के पीछे चॉकलेट चिपक गई है। तो देखो, तो मन्नी बड़ी डिसअपॉइंटेड है, पर कह रही है कि शी इज़ वेरी हैप्पी। और वो आपको दिख रहा है शिवाय, और ये रहा जय दादी के हाथ में। और यहाँ चल रहा है जागरण, और आगे का अपडेट हम आपको थोड़ी देर में देंगे खाना खाने के बाद। तो गाइस हम लोग बर्थडे पार्टी से आ चुके हैं। ठीक थी बर्थडे पार्टी, मैंने खाना नहीं खाया तो मैंने रास्ते में से क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम खरीदी अपनी फेवरेट डबल चॉकलेट कॉर्नेटो। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। ये था हमारा सिंपल सा संडे, कल से फिर शुरू हो जाएगी बिजी लाइफ फ्रॉम अ मंडे मॉर्निंग। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते जाना। ओके गाइस बाय बाय।